सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम बना रहे हैं गणपति जी का पोर्ट्रेट वाटर कलर से। मैं इसमें कैमलिन का वाटर कलर यूज़ कर रहा हूँ और मैंने इसका आउटलाइन पहले से करके रखा है। काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था इसलिए मैंने इसका अलग से वीडियो नहीं बनाया है, डायरेक्ट हम इस पर पेंट करेंगे। मैंने सबसे पहले पर्पल कलर लिया है इसकी पगड़ी पर करने के लिए। मैंने सोचा था मतलब पर्पल कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखेगा और मैं इस पर ट्रिपल शेड करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं लाइट शेड कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा पतला है, पानी का मिक्सअप बहुत ही ज़्यादा है और कलर्स में बहुत ही ज़्यादा कम है। केवल एकदम पानी जैसा कलर करेंगे हम इस पर ताकि शेड देने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद हम सेकेंड लेयर चढ़ाएंगे, थोड़ा सा डार्क होगा। उसके बाद लास्ट लेयर चढ़ाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा डार्क होगा, बिल्कुल एकदम सिर्फ उसमें कलर होगा, पानी का यूज़ हम करने वाले ही नहीं है। उसके बाद हम फेस पे करेंगे। फेस कलर मैं बताता हूँ आपको कैसे बनता है। आपको वाइट कलर लेना है, हल्का सा रेड लेना है, फिर येलो लेना है और लाइट सा ब्लू लेना है। बिल्कुल ब्रश में केवल टिप करना है और आपका कलर तैयार हो जाएगा। अगर आपको लाइट करना हो तो येलो और वाइट का मिक्सअप थोड़ा ज़्यादा कर देना। अगर मेरी तरह आप भी गणपति जी के भक्त हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना और सारे कमेंट करो जो जो गणपति जी का भक्त हो। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूरी कर देना, ठीक है, भूलना नहीं कोई लोग भी याद से, वरना मैं मुझे पता चल जाएगा कि किस किसने नहीं लाइक किया है। हमारा बस तैयारी होने वाला है, मैंने ज़्यादा वीडियो इसका शूट नहीं करा क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था इसको बनाने में। मैंने शुरू करा था 11 बजे से और मुझे 1:30 बज गया था इसका बैकग्राउंड क्लियर करने में सब कुछ। और फिर मैंने इसका सोचा कंप्लीट ही हो गया है तो चलो इसका फ्रेम करा लेते हैं, क्योंकि ऐसा पोर्ट्रेट मैंने पहली बार बनाया है तो मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि चलो इसको फ्रेम करा लेते हैं। तो मैं फिर फ्रेम कराने गया था, 2 दिन का टाइम लिया उसने, पर मेरी मन का नहीं करके दिया। पर कोई बात नहीं, पहली बार था तो मैंने करा लिया, जैसा तैसा हो गया। जैसा कि मैंने बताया कि मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ, अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो भी जाए तो गाइस कमेंट कर देना जो जो भी गलतियाँ हुई हैं मेरे से, अगली बार मैं रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। अगर आप बता दोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, मुझे तो दिख नहीं रहा है मतलब इतनी बारीकी से। बाकी हाँ, थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई है मेरे से, वो अगली बार मैं ध्यान रखूँगा। तो हमारा गणपति जी का पोर्ट्रेट बनकर रेडी हो गया है। चलो मैं आपको इसका फ्रेम दिखा देता हूँ। फ्रेम दिखाने से पहले आप ये 2 फ़ोटो देख लो जो फ्रेम कराने से पहले है, मतलब टेप छुटाने से पहले, उसके बाद का फिर है। और चलो मैं अब आपको फ्रेम दिखाता हूँ। ये मेरा रूम है और यहाँ पर रखा हुआ है फ्रेम। मैंने अभी काम चल रहा था थोड़ा घर में तो मैं इसको फिक्स नहीं किया है, यहाँ पर रख दिया है। आप देख के बताओ कैसा हुआ है, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो कमेंट ज़रूर से करना कैसा लग रहा है। और मैंने पहले भी बता दिया, लाइक करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।